गुजरात के सांगरपुर में स्थापित होगी हनुमान जी की 54 फुट ऊंची प्रतिमा, अमित शाह करेंगे लोकार्पण। गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती की तैयारी के लिए सभी राज्यों को एडवाइजरी की जारी, समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले किसी भी कारण को निगरानी करना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। दक्षिण सूडान से आए संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात। बिहार में हुए दंगों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी अधिकारी लगे हुए हैं, हर एक घर में की जा रही जांच, कुछ दिन बाद सब पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह दंगा जानबूझकर किया गया है, दो लोग हैं जो राज कर रहे हैं, एक राज कर रहा है, दूसरा उसका एजेंट है, वो दोनों मिलकर सब इधर उधर कर रहे हैं। मुलायम काशीराम वाले बयान पर बड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें, धार्मिक स्वार्थ बिगाड़ने के मामले में FIR दर्ज। पूर्व PDP नेता और अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी को मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा, IB की रिपोर्ट के बाद बुखारी को सुरक्षा देने का लिया गया फैसला। समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ की बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की समस्याएं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का राहुल गांधी पर हमला, कहा कि धमकी के लहजे में लड़ रहे लड़ाई, कोर्ट पर दबाव बनाने की कर रहे कोशिश। पुलिस ने तेलंगाना BJP अध्यक्ष बंदी संजय को करीमनगर से उनके आवास में हिरासत में लिया, SSC पेपर लीक मामले में किया गिरफ्तार। तेलंगाना BJP अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को हिरासत में लिए जाने के बाद BJP कार्यकर्ताओं ने नलगोंडा में पुलिस थाने का किया घेराव, किया विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 68वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस में हुए शामिल मैरीटाइम अवेयरनेस वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लखनऊ में 14 गुना बढ़ गए कोरोना के केसेस, यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हुए कोरोना पॉजिटिव। बिहार विधानसभा में हंगामा करने पर BJP विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शलों ने सदन से किया बाहर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार को लगाई फटकार, कहा कि जिन इलाकों में धारा 144 लागू है उन इलाकों से जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए, हनुमान जयंती पर सुरक्षा दुरुस्त करने के निर्देश। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत डंगड़ू शेड हलवाई गणपति मंदिर में भक्तों ने 21,000 सूरजमुखी के फूलों से सजाया मंदिर। हरियाणा में झज्जर में सेप्टिक टैंक साफ कर रहे 4 लोगों की मौत, पुलिस हादसे की कर रही जांच। राजस्थान में चुनाव से पहले सियासी हलचल हुई तेज, हनुमान बेनीवाल ने की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात। दिल्ली के शास्त्री पार्क में सड़क के किनारे लगाए गए भगवा झंडे का कथित रूप से अपमान करने के आरोप में शख्स गिरफ्तार, IPC की धारा 153A और 295A के तहत मामला दर्ज। अजमेर से 50 यात्रियों को लेकर जा रही बस दिल्ली में जाकर पलटी, हादसे में कई लोग घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी महासचिव लॉकेट चटर्जी रिशाड़ा में हुई हिंसा को लेकर हुगली में पुलिस आयुक्त से मुलाकात करने चिनसुरा पहुंचे। लॉकेट चटर्जी ने बंगाल सरकार पर पक्षपात का लगाया आरोप, कहा कि जो पत्थरबाजी करते हैं पुलिस उन्हें कुछ नहीं करती और जो शोभा यात्रा कर रहे थे उन्हें किया गिरफ्तार। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के लोग दंगा करवाते हैं, वो चाहते हैं कि दंगा हो, सरकार जांच कराएगी जिसमें सच सामने आएगा। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए कहा कि ममता जी की बात सही है, जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां दंगे हो रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो या बिहार पश्चिम बंगाल। अतीक अहमद से मुक्त कराई गई जमीन पर सरकारी योजना के तहत बनाए जा रहे फ्लैट, 6,030 लोगों ने किया आवेदन। कोझिकोड ट्रेन आग मामले में संदिग्ध शाहरुख सैफी को महाराष्ट्र से हिरासत में लिया गया, ट्रेन में 3 यात्रियों को जलाया था जिंदा। नाथुला में हुए एवलांच में 7 लोगों की मौत, 13 लोग घायल, BRO ने 23 पर्यटकों को किया रेस्क्यू।
हनुमान जन्मोत्सव से पहले दिल्ली पुलिस सतर्क, जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा के लिए परमिशन नहीं। मध्य प्रदेश में हर जिले के कलेक्टर को 30 दिन के अंदर कुएं, बावड़ियों और बोरवेल का सर्वे कराने के आदेश। अभिनेता सुदीप और उनके मैनेजर जैक मंजू को कर्नाटक में मिली धमकी भरा पत्र, एफआईआर दर्ज। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,435 नए मामले किए गए दर्ज। मैक्सिको से गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को लेकर दिल्ली पहुंची पुलिस की टीम, एफबीआई की मदद से किया था अरेस्ट। आगरा के छावनी विधायक और दारोगा के बीच हॉट टॉक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस कमिश्नर ने दारोगा को किया लाइन हाजिर। प्रतापगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने दिनदहाड़े किशोर को मारी गोली, घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। लालगंज क्षेत्र के विकास नगर का मामला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने वाइस चांसलर के रेजिग्नेशन पर मनाया जश्न, प्रोफेसर तारिक मंसूर को बताया बदनुमा काला धब्बा। गोरखपुर में 31 नई अस्थायी पुलिस चौकियों का किया गया सृजन, पहले 68 पुलिस चौकियां थी जो अब बढ़कर 99 की गई। लखनऊ में एटीएम काटकर मशीनों को बदमाशों ने की बड़ी लूट, करीब 40 लाख रुपए एटीएम से लूटकर फरार हुए बदमाश, लग्जरी कार से एटीएम लूटने पहुंचे थे बदमाश। बिजली का टूटकर खेत में गिरने से गेहूं की फसल में लगी आग, 15 बीघे गेहूं की फसल जलकर हुई राख, रायबरेली के तोरिहार गांव का मामला। महाराष्ट्र के कल्याण में घर में सेंधमरी कर लाखों रुपए की चोरी करने वाले शातिर चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 6,24,000 का सामान बरामद। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने साईं बाबा की आरती की और धीरेन्द्र शास्त्री के साईं बाबा पर बयान को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मैदान में। दिल्ली में पोस्टर वॉर लगातार जारी, बीजेपी ने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पोस्टर किया जारी, लिखा कि आपके करप्ट चोर मचाए शोर। बिहार के सासाराम में हुई हिंसा मामले में 4 एफआईआर दर्ज, अब तक 54 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड में ड्यूटी कर रहे बीएसएफ कर्मियों पर स्थानीय लोगों ने बरसाए फूल, वीडियो आया सामने। आरोप तय होने के बाद बोले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कहा अमेरिका नरक में जा रहा है, दुनिया हम पर हंस रही। पाकिस्तान में दसू जल विद्युत परियोजना के निर्माण में लगे चीनी इंजीनियरों के कैंप में लगी आग, घंटों बाद पाया गया आग पर काबू। ईरान में स्कूली छात्राओं पर फिर जहरीली गैस का हुआ हमला, 20 लड़कियां अस्पताल में भर्ती। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका के ऊपर मानव रहित हवाई पोत एक अप्रत्याशित घटना थी। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई के लिए पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची। बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की भोला रफ्तार बनाने में कामयाब, 50 करोड़ के आंकड़े को पार किया।